व्यापार में घाटा, रिश्तों में दरारें या फिर घर का बिगड़ा हो कोई वास्तु, आपकी हर समस्या का हल लेकर आया है तथास्तु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सोने और उठने के कुछ नियम को लेकर। देखिए, आज का माहौल कुछ ऐसा बन चुका है, लोगों की दिनचर्या कुछ इस प्रकार की है कि टाइम का पाबंद इस वक्त कोई भी इंसान नहीं है, ना उठना तय है और ना ही सोना। देखिए, अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और अच्छा जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। तो इसके लिए नियम का होना तो सर्वोपरि हो गया है। अगर आप सोने और जागने के नियम को अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतार रहे हैं तो आपको ऊपर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं नींद के कुछ नियम। देखिए, जब भी आप सो रहे हैं तो याद रखिए रात्रि के प्रथम पहर में ही सो जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप रात को 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं। जब भी रात का प्रथम पहर लगे 8, 9, 10 उस वक्त सो जाइए। देखिए, आप इस वक्त सो रहे हैं तो आप जल्दी भी उठ जाएंगे, प्लस एक अच्छी नींद से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूसरी जो बात आपको याद रखनी है, जब भी आप सो रहे हैं तो सिर को दक्षिण या पूर्व दिशा में ही रखें। देखिए, वास्तु ये बात लाखों करोड़ों सालों पहले से कहता आया है, सिर की दशा बिल्कुल सही होनी चाहिए। डॉक्टर्स का भी यही कहना है, जब आप सो रहे हैं तो इस नियम का पालन अवश्य करें। दोस्तों, जहां तक हो सके आपको बिल्कुल सीधा सोना है। अगर करवट लेना चाहते हो तो दाईं ओर ही करवट लें, बाईं ओर करवट ना लें। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टा सो जाते हैं, मतलब कि ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, घर में क्लेह होता है और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। दोस्तों, बाईं ओर हमारा दिल होता है तो उसकी तरफ कभी भी आपको करवट लेकर नहीं सोनी है, जिसके कारण देखिए आपको आपके स्वास्थ्य के साथ भी बहुत बड़ा आघात हो सकता है। साथ ही साथ वास्तु के नियम को डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आप बाईं ओर सोएंगे तो आपके हार्ट का फ्लो कम हो जाएगा, वो एक दबाव में रहेगा। सोने के 3 से 4 घंटे पूर्व जल और अन्न का त्याग कर देना चाहिए। देखिए, जब आप सोने वाले हैं तो उससे 4 घंटे पहले आपको डिनर करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग पानी की बोतल साथ रख के सोते हैं, भाई पानी पियेंगे सो जाएंगे, ऐसा करना बेहद गलत है। अगर आपको कुछ लिक्विड पीना ही है तो आप दूध पी सकते हैं, ये नहीं कि आप पानी पी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल बीत जाने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, दोनों नियम आप अगर निभा रहे हैं तो ये आपको एक ही नियम लगेगा। देखिए, सायंकाल के बाद आपको भोजन नहीं करना और शाम को आपको सोने से 4 घंटे पूर्व कुछ नहीं खाना, मतलब कि आपका जो डिनर है वो 6 और 7 के बीच में हो जाना चाहिए, जिसके कारण आपका जो पाचन शक्ति है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वास्तु आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। दोस्तों, आप जब भी सो रहे हैं तो डेली 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको नींद अच्छी आएगी। और अगर आप योग निंद्रा में सो सकते हैं तो वो है सबसे अच्छी बात। अगर आप ये सब कर लेते हैं, इन नींद के नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा उजाला ही रहेगा। अब बात करते हैं जागने के नियमों को लेकर। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस वक्त सारी की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपको मिलती हैं और आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन सबको बाहर निकाल देती हैं। देखिए, अब जब जाग चुके हैं उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं करना कि आप ओवर थिंकिंग करने बैठ गए, कुछ सोचने बैठ गए, मतलब आप आधे जागे हुए हो, आधे सोए हो। अपने दिल को तो आपने बोल दिया मैं जाग चुका हूँ, लेकिन जो आपका दिमाग है वो अभी भी सोया हुआ है, तो ये जागने की विधि नहीं है। ऐसा करके आप अपने आप को परेशान करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों, दिन में कम से कम सोएं। देखिए, दिन में सबसे कम सोने का वास्तु को इसलिए कहता है क्योंकि दिन के सपने कभी भी नहीं देखने चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन की जो दृढ़ता है वो कम हो जाती है, इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए। देखिए, कुछ लोग काम के पीछे बहुत पागल होते हैं, पूरा दिन काम, लेकिन वो भूल जाते हैं मनोरंजन भी हमारा हिस्सा है। दिन में कभी भी जागृत अवस्था में पूरा दिन काम मत कीजिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए और वहाँ पर आप कीजिए मनोरंजन, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। नशा और तामसिक भोजन से बिल्कुल आपका जो जागरण है, अपना जागना है, वो खंडित हो जाता है और ये शास्त्रों के विरुद्ध भी है। अब जब भी सुबह उठें तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जागने और सोने को लेकर। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यार मैं जीवन में सब कुछ कर चुका हूँ, उसके बाद भी कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो आपको वास्तु के नियमों का पालन करके अपनी ज़िंदगी में उजाला लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु के कुछ नए नियमों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।